खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छात्र की एक्सीडेंट में मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें कि आक्रोशित छात्रों ने ट्रक में आग लगा दी और तेज रफ्तार ट्रक ने दो छात्रों को रौंद दिया। एक छात्र की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत बेहद गंभीर है। आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर जमकर पथराव किया है और इस बीच पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालात बेकाबू होते देख आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद कोतवाली के टाउन इंटर कॉलेज रोड की यह घटना है। तो हालातों को बेकाबू होता देखती रही पुलिस मूक दर्शक इस मामले को लेकर बनी रही और छात्र लगातार हंगामा करते रहे। तो तस्वीरें इस बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समाचार प्लस पर। आपको बता दें कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है, गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इस बीच जमकर बवाल काटा है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इस बीच रुख करेंगे मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, हंगामा यहाँ पर छात्रों का बरपा है, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, बता दें ये पूरी लापरवाही जिसमें पुलिस प्रशासन के तो सामने आई रहे। बता दें कि दो घंटा तक जो है तांडव चलने के बाद भी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौके पर नहीं पहुंची थी। तीन घंटा अब बीतने को है, अब जाकर के जो एसपी और उनके जो है अधीनस्थ अधिकारी हैं मौके पर अब पहुंचे हैं। बता दें कि एक छात्र की मौत हो चुकी है, दो छात्र की हालत अभी भी काफी गंभीर है, उनकी भी ये माना जा रहा है कि डेथ हो जाएगी कुछ देर बाद। फिलहाल जो है दो दर्जन से अधिक छात्रों को जो हिरासत में लिया गया, वहीं जो है दर्जन भर से ऊपर गाड़ियों को फूंक दिया गया। फिलहाल मौके पर तनाव है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। रविंद्र, कहां चूक रही इस पूरे मामले में? पुलिस मौके पर नहीं पहुंची या फिर पुलिस देरी से पहुंची? क्योंकि आप बता रहे हैं कि दर्जन भर गाड़ियां फूंक दी गई हैं, ऐसे में कुछ वक्त तो जरूर लगा होगा इस हंगामे के लिए। जी बिल्कुल, घटना के बाद बता दें जैसे ट्रक ने कुचल दिया, एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी, दो गंभीर हुए, तो उसके बाद पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी गई थी। उसके बाद भी बता दें कि डेढ़ घंटे तक तांडव चलता रहा, लेकिन पुलिस फोर्स मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसका खमियाजा जो है कई ट्रकों में आग लगा करके मालिकों को नुकसान उठाना पड़ा। बता दें वहीं पर दो पत्रकार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको जो है यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जी तो अभी क्या स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित है रविंद्र? जी बिल्कुल नहीं, अभी 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 भी जो है अभी काफी मामला जो अति संवेदनशील मामला है अभी भी है, क्योंकि ये छात्र का मामला है। जितने स्कूल कॉलेज के छात्र हैं सभी इकट्ठा हो चुके हैं, जगह जगह जो है छिपे हुए हैं। माना जा रहा है कि अभी भी जो है तनावपूर्ण घटनाएं हो सकती। फिलहाल भारी संख्या में फोर्स को बुला ली गई है, मौके पर पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल रविंद्र, शुक्रिया रविंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आप मामले पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर इस बीच आगरा से है। आगरा सब्जी मंडी में लकड़ी के खोखों में भीषण आग लगी है और आग लगने की वजह से आपको बता दें कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदला सब्जी मंडी की घटना है। तस्वीरें इस बीच आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। तो सब्जी मंडी में लकड़ी के खोखों में आग लगी है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू कर लिया गया। और मैं खबर इस बीच कानपुर देहात से है, जहां पुलिस को जिंदा मिली है तीन लापता छात्राएं। पुलिस को सकुशल मिली रानिया से लापता तीनों ही छात्राएं। आपको बता दें कि एमपी के इटारसी रेलवे स्टेशन से तीनों ही छात्राओं को तीनों ही छात्राएं वहां से मिली हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि छात्राओं के माने जा रहे थे 13 सितंबर को इटावा में दो शव दरअसल दो शव मिले थे 13 सितंबर को, तो माना जा रहा था कि दोनों ही शव जो है वो छात्राओं के हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इटावा में मिली आखिर दोनों युवतियां कौन है और युवतियों के शव आखिर किसके हैं। दोनों शवों में एक योगिता पासवान के तौर पर शिनाख्त कर ली गई थी। अब पुलिस के लिए जिंदा मुर्दा की पहेली सुलझा पाना बेहद ही कठिन होगा। बड़ी चुनौती होगी कि जिंदा और मुर्दा आखिर कौन है। आपको बता दें कि इस पहेली को सुलझा पाने से पहले ही एडीजी ने कानपुर देहात पुलिस को 15,000 का इनाम दिया है, जबकि एसपी ने भी पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया है। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि दो शव जो 13 सितंबर को पाए गए थे आखिर वो किसके थे। ये सवाल इसका हल ढूंढ पाए, इसका जवाब ढूंढ पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस को इस कारनामे के लिए इनाम भी दिया गया। खबर इस बीच बरेली से है। बरेली में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दारोगा दिलशाद साथ ही साथ ताहिर अली भगत सिंह पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा गौरव अरविंद और एक अज्ञात दारोगा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। तो धारा 147, 148, 149, 452 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। पुलिस वालों ने दरअसल एक वृद्धा को बंदूकों की बट से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। बरेली में वृद्धा की हत्या का यह मामला था और इस खबर को समाचार प्लस ने प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसका असर देखने को मिला। देखिए, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक एक निर्मम वृद्ध महिला पर हमला किया है, एक मानवीय हत्या है बिल्कुल। इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता अभी जाकर FIR कराएंगे पुलिस वालों के ऊपर, ताकि ऐसी घटना दोबारा इस हमला में बल्कि उत्तर प्रदेश में ना हो। और वही मेरठ में शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की सेटिंग। मेरठ पुलिस की शातिर बदमाशों को खुली छूट, पेशी पर आए बदमाशों को भागने का मौका दे रही है मेरठ पुलिस। बदमाशों के हाथ में लगी है केवल नाम की हथकर, और ऐसे में आसानी से भाग सकते हैं बदमाश। पहले भी कचहरी से शातिर बदमाश भाग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस मामले में कोताही बरत रही है। और ताजा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अब्दुल कादिर का। अब्दुल कादिर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नाम मात्र की जो हथकड़ियां हैं वो लगी हुई हैं, और पहले भी कई शातिर बदमाश कचहरी से भाग चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्यों सुधरने के लिए तैयार नहीं है पुलिस? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस जो है बदमाशों को कचहरी के अंदर पेशी पर लेकर आती है, वहां सुरक्षा के नाम पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देता। और सीधी तस्वीरों में भी दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों को पुलिस पेशी पर लाती है, और उसके बाद जो है वो हथकड़ी लगी हुई होती है, लेकिन पुलिस जो है उनसे दूरी बना के रखती है। मैं आपको बता दूं, मेरठ कचहरी से अभी तक जो है काफी कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उसके बाद भी सबक नहीं लेती। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि पुलिस और बदमाशों की सेटिंग होती है, और उसके बाद जो है बदमाश पेशी पर आने के बाद पुलिस से सेटिंग करके फरार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस कर्मियों पे कब कार्रवाई होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अंजलि, बिल्कुल अब्दुल, और तस्वीरें इस बीच हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके की कोताही, किस तरीके की लापरवाही ऐसे मामलों में बरती जा रही है। शुक्रिया आपका अब्दुल पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरठ पुलिस ने किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हथकड़ियां बांधी हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी पुलिस ने जारी की है मिशन मुठभेड़ की सूची। 20 मार्च से 14 सितंबर तक मुठभेड़ की लिस्ट जारी कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 420 एनकाउंटर किए हैं। 14 सितंबर के बाद भी कई जिलों में एनकाउंटर हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान अब तक 15 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और 1106 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि 868 इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बदमाशों से मुठभेड़ में 88 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 84 बदमाश भी घायल हुए हैं। तो 54 बदमाशों पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है, और इसी के अलावा आपको बता दें कि 69 बदमाशों की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 9 बदमाश ढेर किए गए। तो एक सूची जारी की गई है दरअसल, जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सूची में अब तक के एनकाउंटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, खबर इस बीच मेरठ से है। मेरठ में मासूम पर टूटा है बेरहम टीचर का कहर। टीचर ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को बेरहमी से पीटा है, और घर पर बताने पर छात्र को फेल करने की धमकी दी गई है। परिवार वालों ने थाने में आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी है। दरअसल गंगानगर थाना क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर का ये मामला है, जहां पर स्कूल टीचर ने एक तीसरी क्लास के बच्चे की पिटाई की है, और घर पर बताने के बाद बच्चे को फेल करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इसके बाद बच्चे के परिवार वाले थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने टीचर के खिलाफ मामले में तहरीर की। मेरठ में हिस्ट्रीशीटर के घर पुलिस अधिकारियों ने उड़ाई दावत। मुंबई पुलिस का वांटेड और मेरठ पुलिस का हिस्ट्रीशीटर है परवीन। तो हिस्ट्रीशीटर के घर पर मेरठ के जो अधिकारी हैं वो दावत उड़ाते नजर आए हैं। मेरठ के ADM प्रशासन, साथ ही साथ SP देहात, SP ट्रैफिक ने जमकर दावत उड़ाई है। SDM मवाना, CO मवाना समेत कई अफसरों ने दरअसल इस हिस्ट्रीशीटर के यहाँ जमकर दावत के मसे लिए हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। डबल मर्डर के बाद गाँव में तनाव के चलते ये अधिकारी पहुंचे थे। दो सगे भाइयों की हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। थाना फलाबदार क्षेत्र के
सनूता गांव में दो सगे भाइयों की हत्या हुई थी। ऐसे माहौल में पूरे गांव के जो अधिकारी थे, दरअसल उनको सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर का घर मिला जहां वो दावत उड़ाते नजर आए। और वही खबर इस बीच लखनऊ से है, जहां फर्जी बाबाओं के बाद अब फर्जी मौलानाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फर्जी मौलानाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद रखेंगे बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में अपनी बात को रखेंगे। अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं की फर्जी लिस्ट जारी की थी जिसमें कई जाने माने बाबाओं के नाम शामिल थे। इसके बाद अब जो फर्जी मौलाना है उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। मौलाना खालिद ने बोर्ड मीटिंग में ये बात रखने की बात की है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड मीटिंग में इस बात को रखा जाएगा और फर्जी मौलानाओं की भी एक सूची जारी की जाएगी। तो इस बीच आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद बोर्ड मीटिंग में बात करने वाले हैं इस बाबत, और वो इस प्रस्ताव को रखेंगे। दरअसल अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की थी जिसमें गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, साथ ही साथ और कई ऐसे बाबा थे जिनके नाम को शामिल किया गया था, निर्मल बाबा, राधे माँ। 14 ऐसे फर्जी बाबाओं को लिया गया था इस लिस्ट में जिन्हें फर्जी करार दिया गया था और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि अब मौलाना खालिद भी दरअसल इस बात को रखने वाले हैं। खबर बलिया से है, जहां अंतिम सफर पर है शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह। आपको बता दें कि शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार से पहले शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। कल शाम को घर पहुंचा था शहीद का पार्थिव शरीर, और पार्थिव शरीर को देखने के बाद पूरा परिवार बेसुध हो गया। बीएसएफ के कांस्टेबल थे शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक हरकत के बाद शहीद हुए थे। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के दौरान वो शहीद हुए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि शहीद के पिता ने बहादुर बेटे जैसा ही हौसला दिखाया है। समाचार जब उनके हौसले को सलाम करता है। तस्वीरें इस बीच आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। शहीद पिता को नमन किया गया, मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इसके बाद अंतिम सफर में भीड़ उमड़ी, पूरा गांव जैसे अपने बेटे के अंतिम दर्शनों के लिए इकट्ठा हुआ, तो वहीं शहीद को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कमांडो बनूंगा, बदला लूंगा। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं कमांडो बनूंगा, बदला लूंगा। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपने लड़के की शहादत पर हमको पूरा गर्व। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहने से सरकार थोड़े कुछ करेगी। सरकार को जो भी जाएगा वो करेगी, लेकिन हमें यह है कि हमें अपने लड़के पर गर्व है कि मैंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया और सीमा पर जाकर के वीर गति प्राप्त किया, इसी का हमको गर्व है। कि हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मैंने मेरे गांव के पहले शहीद व्यक्ति हैं। बड़े खुशनसीब हम लोग की हमारे गांव के लिए शहीद हुए ये, और बहुत हम लोग गर्व महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव के पहले व्यक्ति शहीद हुए हैं। अमर शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह की शहादत पर हमें पूरे बलिया वासियों को, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व है। अमर शहीद के नाम से यहां प्रवेश द्वार बनेगा, एक खेल के मैदान का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, एक स्मारक अमर शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के नाम से यहां बनेगा, और 25 लाख रुपए की राशि शहीद परिवार के लिए है। कि अमर शहीद देश के नौजवान सीमा पे लड़कर के जो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, और इनके परिवार को ईश्वर सुख शांति दे, और हम पूरी सरकार इनके साथ है, और सरकार से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मिलकर के कि इनकी जो है यहाँ मूर्ति लगे, और इनके परिवार को जो भी सरकार से हम लोगों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। और खबर इस बीच फैजाबाद से है, जहां राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार का निधन हुआ है। राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार महंत भास्कर दास का निधन हुआ है। नाका हनुमानगढ़ी परिसर से निकली है दिवंगत महंत की शव यात्रा।
चौक होते हुए अयोध्या पहुंची है महंत भास्कर दास की शव यात्रा सभी तक के तुलसीदास घाट पर। आपको बता दें कि प्रवाहित किया गया 88 साल के थे महंत भास्कर दास। 1949 से राम जन्मभूमि मामले का मुकदमा उसके पैरोकारी कर रहे थे। 88 साल की उम्र में सुबह 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अयोध्या से एक बड़ी खबर है, महान भास्कर दास का देहांत हो गया। आज सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस ली उन्होंने और एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। उसके बाद उनके सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनको जो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जो है उनका जो है आज सुबह लगभग 3:30 बजे उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है भास्कर दास के बारे में बता दें, महंत भास्कर दास निर्मोही अखाड़े के सरपंच थे, महंत थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य पक्षकार थे। साथ में ही वो जो पक्षकार थे, हिंदू पक्ष के मेन पक्षकार थे, उनका जो है आज सुबह निधन हो गया है। उसके बाद जो है उसके बाद उनके जो हनुमानगढ़ी जहाँ मंदिर है वहाँ उनके ताता लगा उनके भक्तों को मिलने का। उसके बाद हम बात करते हैं उनके शिष्य हैं पुजारी रामदास जी से। जी ये बताइए सुबह कै बजे इनका? 3:30 पर सर 12 तारीख को एडमिट हुए। उसके पहले भी कई बार अटैक हो चुका था और इसमें इनको जो पहले पैरालिसिस था उसके बाद हल्का सा अटैक हुआ था। सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी, जकड़न थी सीने पर और उसके लिए तत्काल हम लोग करीब के अस्पताल हर्षण हृदय संस्थान में पहुंचे डॉक्टर अरुण जायसवाल के, क्योंकि स्थिति गंभीर थी इसलिए आगे नहीं ले जा सकते थे, इसलिए यहीं पर एडमिट किया गया क्योंकि ऑक्सीजन तत्काल ज़रूरत थी। और ऐसी स्थिति में फिर युवा कल स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो युवा की अगर हम लोग आगे ले जाते हैं तो पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ से इस तरह, क्योंकि 3 दिन वो ऑक्सीजन में पूरा रहे। अगर बात किया जाए श्री योगी भी आने की संभावना है क्योंकि जो है फोन से उनको संभावना दी गई है। उसके बाद जो है राम मंदिर आंदोलन के मुख्य जो है पक्षकार थे, उसके बाद जो है पैरवी करते हुए 2010 तक पैरवी करते थे। उसके बाद जो अस्वस्थ होने के बाद ये जो है पैरवी कम करते थे, मगर उसके बाद जो उनके शिष्य का कहना है उनकी इच्छा जो थी राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। फैजाबाद से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद तनवीर। खबर इस बीच लखनऊ से, जहां महर्षि विद्यालय में 11वीं के छात्र की मौत हुई है। छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल में मौत हो गई है। छात्र की मौत के बाद परिवार सदमे में है। तो मंडियाव थाना क्षेत्र में स्थित है ये महर्षि विद्यालय। परिवार वालों ने अब तक नहीं दी है पुलिस को तहरीर, मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस बीच हमारे सहयोगी आर के पाल से। आर के पाल, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर, किस तरीके से मौत हुई और क्या कोई वजह साफ हो पाई? आपको बता दें, आदित्य नाम है इसका, ये 11वीं का स्टूडेंट है और ये बाल विद्या मंदिर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। आज सुबह ये स्कूल आया था कि अचानक गिर गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन वही आपको एक जानकारी देते हैं कि जिससे जल्द वहाँ पे जो जब हम लोग ने पूछताछ की तो वहाँ बच्चों ने जो उनके मित्र घर थे उन्होंने बताया कि बीमार भी रहता था, जिसके चलते इसके इलाज भी चल रहा था। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये क्यों, कैसे, क्या हुआ। अभी तक ना ही कोई परिवारजन इनके ऊपर आरोप लगा रहे, ना स्कूल प्रशासन के ऊपर, ना किसी के ऊपर। बिल्कुल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और खबर उस बीच अलीगढ़ से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं, 6 लोगों को गंभीर हालत में करौली से अलीगढ़ में बारात में आए थे सभी लोग। आपको बता दें कि गांधी पार्क थाना क्षेत्र के गोनेर बिजली घर के पास ये हादसा हुआ है। तो करौली से अलीगढ़ बारात में आए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। सहारनपुर में समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मासूम की गुहार सुनी है। समाचार प्लस बना था मासूम की आवाज। बच्ची की मदद के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। सहारनपुर जिलाधिकारी को शासनादेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से होगा बच्ची के पिता का इलाज। तो बच्ची ने पिता के इलाज के लिए एक खत लिखा था। 1 साल से कोमा में है मासूम के पिता। जिसने हमारी खबर चलाई, हमारी सहायता की मदद करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का धन्यवाद, उनके बिना ये नहीं हो पाऊँ। योगी जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद।